अनुदेशों को संबंधित बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। अनुदेशकों के नवीनीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की नवीनीकरण प्रक्रिया जो कि 2023-24 के लिए शुरू करनी थी वो शुरू कर दी गई। प्रदेश में सबसे पहला जिला बन गया अनुदेशक हित में ये कार्य करने वाला। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर साफ साफ कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी मिश्रिक सीतापुर से ये समाचार है। 15/4/2023 का कार्यालय आदेश है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीतापुर के आदेश का अनुसार नवीनीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसमें 2023-24 के नवीनीकरण प्रक्रिया हेतु उनके कार्य एवं व्यवहार से संबंधित आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अंशकालिक अनुदेशकों के सत्र 2023-24 के लिए नवीनीकरण हेतु प्रारूप निम्नवत है। प्रारूप आप देख सकते हो, अनुदेशकों का नाम, विषय, विद्यालय का नाम, छात्र संख्या, प्रधानाध्यापक, प्रभारी की संतुति असंतुति, यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मेट है। अंत में नीचे लिखा हुआ था समस्त उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि 2 दिवस के भीतर उपरोक्त प्रारूप पर सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो साथियों धैर्य रखें, आपके यहाँ भी जल्द शुरू की जाएगी प्रक्रिया, लेकिन आप भी सजग रहें, पता करते रहें, फॉर्मेट प्राप्त कर लें, डाउनलोड कर लें, जहाँ से भी जैसे भी प्राप्त हो उसे फिल करके प्रधानाध्यापक से या जो प्रभारी आपके यहाँ इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं उनसे उस पर संस्तुति करवा कर जल्द से जल्द अपने अपने BRC केंद्र पर जमा करें ताकि समय रहते आपकी नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।